गुड मॉर्निंग, जय सीएलसी। मैं आपका अपना श्रवण सीएलसी सीकर से इस वीडियो के माध्यम से आपके अपने सीएलसी द्वारा नेक्स्ट सेशन में कौन कौन से बैच, कोचिंग के बैच, स्कूल के बैच, बैच प्री फाउंडेशन के बैच, आरबीसी के, सीबीएसई के, कब कब कौन सी क्लासेज के बैच कब स्टार्ट होने जा रहे हैं, उनकी विस्तृत जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपसे मैं करने जा रहा हूं। तो आप हम बने रहें वीडियो के अंत तक। पिछले 29 साल से आपकी सीएलसी दिन प्रतिदिन प्रगति की ओर बढ़ते हुए अपना काम कर रही है। अब मान के चलो 29 साल से कोई संस्था काम कर रही है तो ये बातें कहना बहुत ही सेकेंडरी है कि उसका सिस्टम है, उसकी टीम है, उसका मैनेजमेंट है, उसकी टीचिंग फैकल्टी है, नॉन टीचर, यानी एक हजारों लोगों का समूह मिलता है, लाखों लोगों का विश्वास मिलता है, लाखों लोगों की शुभकामनाएं मिलती हैं, तब जाके वो सिस्टम 29 साल लगातार अपने काम को उसी जोश और होश के साथ कर पाता है। मुझे कहते हैं बहुत खुशी है, नीट और जेई के फील्ड में पूरे हिंदुस्तान में 25 साल से ज्यादा काम करने वाली संस्थाएं 4 से 5 हैं, उनमें आपकी सीएलसी भी है। अब दोस्तों जमाना थोड़ा चेंज हो गया, आजकल नीट, जेई, एनडी, इन सब की प्रिपरेशन जो है वो बच्चे 6ठी क्लास से लग जाते हैं, इसलिए स्कूल एजुकेशन साथ मजबूत होना बहुत जरूरी है। यहां भी मुझे कहते फक्र हो रहा है, राजस्थान की संस्थाओं में सीएलसी एक संस्था हुआ है जो 29 साल से कोचिंग में काम कर रही है, लेकिन 2005 से ही हम लोग स्कूल में भी आ गए थे जहां एक स्कूल सिस्टम में हम लोग हमारा पैरेलल चला रहे थे। आओ पूरी बातें करते हैं। यदि आपके बच्चे को एक स्कूल की तलाश है सीबीएसई की, तो प्री प्राइमरी से लेकर 12th तक ये स्कूल हमारा सीबीएसई का सीआईएस बीकानेर बाईपास पे सीकर में चेलासी एक गाँव है पास उसी रोड पे, जहाँ 40 बीघा में खुला हुआ कैंपस है। इस वीडियो को आप देखें, ये हमारा सीएस कैंपस है जहां प्री प्राइमरी से लेकर 12th तक बहुत शानदार व्यवस्थाएं हैं, खुद के हॉस्टल्स हैं और सेलासी के आसपास 40 किलोमीटर गांव में वहां कन्वेंस की व्यवस्था भी है। फिर आगे चलते हैं, आपको स्कूल की क्लास राजस्थान बोर्ड की, तो ये हमारा केवीएम है जो 6 से लेकर 12 तक आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, एग्रीकल्चर दोनों मीडियम, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, ये हमारा राजस्थान के टॉप 3 स्कूलों में स्कूल मानते हैं रिजल्ट के आधार पे, तो 6ठी से लेकर 12वीं तक आप इसमें जुड़ सकते हैं। फिर एक आजकल जमाना है कि सब 6ठी से 10वीं केवल स्कूल नहीं, बच्चे को ओलंपियाड है, यूपीएससी है, जेई है, नीट है, एनडीए है, सीयूटी है, क्लेट है, आईसीआर है, इनकी प्रिपरेशन भी 6ठी क्लास से स्टार्ट हो जाए बिना किसी बर्डन के। बर्डन 2 प्रकार के होते हैं, एक पढ़ाई का, एक अर्थ का। तो हम लोगों ने एक मध्यम वर्ग की फीस, जिसको मॉडरेट फीस कह सकते हैं, उसको रखते हुए और एक बहुत अच्छा एक शेड्यूल सेट करके एक स्कूल लॉन्च कर रहे हैं, सीएलसी हाई स्कूल। सीएलसी हाई स्कूल 6, 7, 8, 9, 10 में इंग्लिश मीडियम भी है, हिंदी मीडियम भी। यहां आप ओलंपियाड के लिए, यूपीएससी के लिए, नीट के लिए, जेई के लिए, एनडीए के लिए, आईसीआर के लिए, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इस स्कूल को आप 6ठी से फॉलो कर सकते हैं, जो सीकर पिपराल रोड पे है, सीएलसी कैंपस के पास ही है। उसके बाद आपके बच्चे ने 10th का एग्जाम दे लिया तो उसके लिए फिर 11th और 12th फाउंडेशन, नीट के लिए भी, जेई के लिए भी, एनडीए के लिए भी। लेकिन आजकल एक नया और आया है सीयूटी। बच्चा कहता मुझे 12th करने के बाद ना मेडिकल में जाना, ना आईटी में जाना, मुझे तो लॉ में जाना है, मुझे तो मैनेजमेंट में जाना है, या मुझे तो देश की अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है। तो अच्छी यूनिवर्सिटी के जो आजकल एडमिशन है, पहले आप जानते हो 12th के बोर्ड के परसेंट पे एडमिशन होते थे, आजकल ये एग्जाम होता है सीयूटी के बेस पे। तो इन बच्चों को हम लोग 6ठी क्लास से ही सीयूटी की, क्लेट के लिए, आईसीआर के लिए और एग्रीकल्चर अपने खुद की ब्रांच है तो जेट के लिए ये तैयारी स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारी चीजें 11th से 12th में टारगेट के बैच भी इनसे। तो कहने का मतलब ये है जी, 12th पास आपका बच्चा कर चुका तो वो टारगेट कोर्स में आ जाए, नीट के लिए, जेई के लिए, एनडीए के लिए। आपका बच्चा 10th में है तो 11th ज्वाइन करा ले। आपको केवल स्कूल कराना है सीबीएसई का सीआईएस, आरबीएससी का केवीएम, नीट और जेई, एनडीए, सीएलसी। और आपको साहब नहीं, हमें तो सीयूटी कराना है, तो बाकायदा सीएलसी सीयूटी का एक सेपरेट बैच अपने स्कूल के प्लेटफॉर्म स्टार्ट करने जा रहा है। ये सारी व्यवस्था दोस्तों हमारी सीकर में है। सीकर के अलावा अलवर, बीकानेर और जयपुर ब्रांच है हमारी, जहां 11, 12, 13 बैच चलते हैं, 11, 12 फाउंडेशन और टारगेट कोर्स। एनडीए का जो है कॉन्सेप्ट वो सारा हमारा सीकर में है। मैं एक ही बात कह सकता हूं दोस्तों, एक पूरी टीम के साथ पिछले 29 साल से मैं काम कर रहा हूं, और पहले मैं अकेला था, पिछले 5 साल से आप देख रहे हो मेरे दोनों बेटे साहिल और समर जब से मेरे साथ खड़े हुए हैं, हमारी स्पीड कई गुना बढ़ी है। सीएलसी सीकर का सबसे पुराना इंस्टीट्यूट है साहब, ये एक बात है, दूसरी कई बात और भी है। सीकर से एम्स दिल्ली में
किसी एक सेशन में 5 बच्चे भेजने का भी गौरव सीएलसी के पास ही है। नीट में सबसे अच्छी 33वीं रैंक आने का गौरव भी सीएलसी के पास ही है। नीट और जेई दोनों पे पैरेलल तैयारी कराने वाले का भी मैनेजमेंट सीएलसी के पास ही है। तो प्री प्राइमरी से भेज सकते हैं, 6 से किसी भी क्लास से आप बच्चे को हमारे साथ जोड़ सकते हैं। खुद के हॉस्टल फैसिलिटीज है, एक बार कैंपस आपको दिखा दिया जाए तो आप देखें, ये हमारा कैंपस सीआईएस का है, ये कैंपस हमारा सीएलसी का है, ये आप देखें सारा हॉस्टल्स की व्यवस्थाएं हैं, और सीकर में सीएलसी के आसपास बहुत अच्छी हॉस्टल व्यवस्थाएं हैं। तो आप आए सीएलसी, जुड़े सीएलसी के साथ, ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है। आपको और कोई विस्तृत बात करनी हो तो किसी भी नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। एड्रेस देख लें, ये सीकर का एड्रेस है, ये जयपुर का एड्रेस है, ये बीकानेर का एड्रेस है, ये अलवर का एड्रेस है। और दोस्तों लास्ट में मेरा खुद का नंबर भी आपको देता हूं मैं, 9928738888। आप इस पे भी कोई बात पूछना चाहो तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। वेबसाइट की बात करें clcseeker.com की हमारी वेबसाइट है, वहां जाके भी सीएलसी के बारे में आप पूरी बात कर सकते हैं। दोस्तों हर बच्चे पे काम करने का नाम सीएलसी है, शिक्षा संस्कार सुरक्षा और सफलता का नाम सीएलसी है। सीएलसी कुछ चंद टॉप बच्चों को छांट के उनके बैच बनाए काम नहीं करता साहब, सीएलसी हर बच्चे पे काम करता है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि एक व्यक्ति दुनिया के लिए एक जनसंख्या की संख्या होता है, पर परिवार के लिए वो दुनिया होता है, इसलिए हर बच्चा कीमती होता है, इसलिए सीएलसी हर बच्चे पे काम करती है। तो मैं मेरे सारे अपनों से अपील करना चाहता हूं, आपको शिक्षित बच्चे चाहिए, संस्कारी बच्चे चाहिए, सुरक्षित बच्चे चाहिए, सफलता के साथ चाहिए, तो आप सीएलसी की उंगली पकड़ें। एकमात्र आपके पास कैसे ऑप्शन है, आपके अपने सीएलसी। आए सीएलसी, और नेक्स्ट सेशन के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं 4 अप्रैल 2024 से, अगले सेशन के सारे बैच स्टार्ट हो जाएंगे, स्कूल के, एनडीए के, कोचिंग के, जेई के, नीट के, यानी 4 अप्रैल से नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो जाएगा। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो फीस की कंप्लीट जानकारी आपको चाहिए तो ये आप साइट पे जाएं, केवीएम स्कूल की चाहिए तो हमारे केवीएम की साइट पे जाएं, सीएस की फीस चाहिए तो इस साइट सीएस पे जाएं, वो सीएलसी की चाहिए ये साइट हमारी सीएलसी के। इसके अलावा भी आपको कोई लगता है कि यार मेरे किसी प्रश्न का जवाब अभी नहीं मिल पा रहा है तो ये हेल्पलाइन नंबर है, आप इन पर बात कर सकते हैं। ओके दोस्तों, मैं फिर आपके साथ नए जोश के साथ, नए होश के साथ, नए विश्वास के साथ, पुरानी टीम को साथ लेते हुए और नए लोगों के साथ जुड़ते हुए, नए जुनून के साथ 4 अप्रैल 2024 से अगले सेशन की उड़ान भरने जा रहे हैं। आओ मिलके सपने देखें, सपने बड़े करें और सब मिलके सपने पूरे करें। जय जय सीएलसी, जय जय सीएलसी।